नवभारती परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा विषय वस्तु विश्लेषण। मैंने पहले आपको विषय वस्तु के बारे में बताया था कि विषय वस्तु का चयन हम किस तरीके से करते हैं या विषय वस्तु होता क्या है। तो विषय वस्तु जिसे हम कहते हैं हमारा कंटेंट, जो हम पढ़ाने वाले होते हैं, हमारा टॉपिक, हमारा प्रकरण, हमारी इकाई का प्रकरण, यानी कि हम जिस चीज़ के बारे में बच्चों को, या कहें कि हम जो उद्देश्य लेके चलते हैं, वो उद्देश्य हमारा कंटेंट बन जाता है कि हमें क्या पढ़ाना है। तो इसी में ही आगे मैं आपको विषय वस्तु विश्लेषण के बारे में बता रही हूँ। जिस तरह से जब हमारा कंटेंट, हमारा जो सिलेबस, पाठ्यचर्या बनाया जाता है, तो वो पाठ्यचर्या के अंदर, यानी पाठ्यक्रम होता है हमारा समग्र, पाठ्यक्रम के अंदर जो पाठ्यक्रम का अंश होता है हमारा पाठ्यचर्या, जब हम उसके अंदर हमारे विषय वस्तुओं का चयन करते हैं और हम उसमें किस तरीके से हमारे विषय वस्तु जो कंटेंट होते हैं उनका इकाई के रूप में हम विभाजन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो ये विश्लेषण आखिरकार होता क्या है, विषय वस्तु विश्लेषण हम करते किस तरीके से हैं, विषय वस्तु विश्लेषण करते समय हमें कौन से सिद्धांतों की आवश्यकता होती है, विषय वस्तु विश्लेषण बनाने के लिए जिन सिद्धांतों का हम प्रयोग करते हैं, उन सिद्धांतों को बनाने से पहले हमें किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, या हम कहें कि जब हम विषय वस्तु विश्लेषण बनाते हैं उस निर्माण प्रक्रिया में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना है, ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जो हमारा है विषय वस्तु विश्लेषण, जिसे हम कहते हैं कंटेंट एनालिसिस, जिसे एनालिसिस कि हम इस तरीके से किस तरीके से विषय वस्तु, यानी कि पाठ्य वस्तु, जिसे हम कहते हैं विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु, पाठ्य वस्तु यानी कि पढ़ने वाली जो हमारी पठन सामग्री है, पठनीय सामग्री होती है सामग्री, अर्थात पढ़ने वाली, जिसको हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारे पढ़ने योग्य है, वो हमारी पठनीय सामग्री में आती है, क्या हमारी पाठ्य वस्तु। अब हम देखें विश्लेषण, विश्लेषण क्या होता है, हम सिंपल तौर पर कहते हैं विश्लेषण होता है पृथक पृथक भागों में विभाजित करना, अर्थात जो संयोग किया हुआ पदार्थ है या वस्तु है या हमारा विषय वस्तु है, संयोग किया गया, किया हुआ ये हुए पदार्थ को पृथक करना, अर्थात उसको बांट देना, विभाजन कर देना, ये हमारा विश्लेषण हो गया। विश्लेषण का अर्थ होता है विभाजित करना। तो यहाँ जब हम विषय वस्तु विश्लेषण करते हैं, तो विषय वस्तु विश्लेषण करते हैं तब हम क्या करते हैं, हमारी जो कंटेंट, हमारा जो पाठ्यचर्या बनाई जाती है, उसका हम विभिन्न विभिन्न इकाइयों में उसका विभाजन कर देते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि विषय जो हम वस्तु कहते हैं ना, विषय वस्तु विश्लेषण क्या होता है, तो हम उसका पूरी चीज़ हम देखें कि विषय वस्तु विश्लेषण आखिरकार होता क्या है। तो हम कहते हैं कि विषय वस्तु विश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके बिना हमारा शिक्षण कभी भी प्रभावी नहीं होता। अगर हम जब टीचर पढ़ाते हैं, अध्यापक जब किसी चीज़ को पढ़ाते हैं, तो कहते हैं अगर वो विश्लेषण करके ना पढ़ाएं, क्या हम समग्र जो ज्ञान है उसे हम एक साथ ले सकते हैं, नहीं ले सकते। इसीलिए जब हम पढ़ते हैं तो हमारी पढ़ने वाली चीज़ों का, या हम हमारी जो हमारा कंटेंट होता है उसका हमें विभाजन करना अनिवार्य होता है। ये हमारी एक शिक्षण प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। कहते हैं कि बिना, जब हम विषय वस्तु तैयार करते हैं तो उसके विश्लेषण के बिना हम कभी भी शिक्षण प्रक्रिया को पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया के लिए कंटेंट एनालिसिस एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। अगर हम इसे हम अपने शिक्षण में प्रयोग में नहीं लेते हैं, तो ये प्रक्रिया हमारे लिए, हमारी एक तरीके से अप्रभावी होती है। तो कहते हैं विषय वस्तु विश्लेषण है वो हमें तकनीकी प्रक्रिया, अगर इसको हम तकनीकी मानते हैं, हमारी टेक्निक मानते हैं, क्योंकि ये पढ़ाने की टेक्निक होती है। हम कहें कि हम एक टॉपिक लेते हैं, एक हमारा कंटेंट लें, तो हम उसे विस्तृत रूप में पूरा पढ़ा देंगे, तो हम जरूर से जरूर
पूरी तरह से उसे समझा पाता है, ना शिक्षार्थी उसे पूरी तरह से ग्रहण कर पाते हैं। तो इसीलिए हमें जो हमारे विषय वस्तु का विश्लेषण करना होता है वो हमें पूरी तरह से हमारे एक पृथक करके कहते हैं कि हमें सरल सरल क्यों करते हैं विषय वस्तु विश्लेषण, हमें उस कंटेंट को, उस टॉपिक को हमें सरल बनाना होता है। और सरल बनाने से हमें क्या करना होता है, विद्यार्थियों को सरल और बोधगम्य बनाकर उसे उस टॉपिक को समझाना होता है। हम जितना उसको आसान बना सकते हैं तो आसान बनाने की प्रक्रिया हमारी विषय वस्तु विश्लेषण होता है। उस विभाजन के द्वारा उन छोटे छोटे भागों में जो हम उसको विभाजित करते हैं, वो विभाजन करना हमारे लिए, हमारी इस प्रक्रिया के लिए एक सरल प्रक्रिया हो जाती है। तो हम कहेंगे कि विषय वस्तु विश्लेषण, जिसे भी हम कंटेंट एनालिसिस कहते हैं, ये क्या होता है कि हम जब हमारे पढ़ने की कहते हैं कोई सामग्री का चयन करते हैं, पठनीय सामग्री का चयन करके उसे पृथक करके विभिन्न भागों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, प्रक्रिया को विश्लेषण करना कहते हैं। और यही हमारा विषय वस्तु विश्लेषण बन जाता है। कहते हैं विषय वस्तु विश्लेषण हमारा जिस कंटेंट को हम लेकर चलते हैं उसका विभिन्न भागों में विभाजन करना, हम कहें कि हमें अगर हम हमारी जो इकाई के रूप में हो सकता है वो हमारे जो कहते हैं कि हम एक जब हम भाषा हिंदी पढ़ेंगे तो वो इकाई हमारी गद्य पद मुहावे यानी कि व्याकरण, इन इकाइयों में हमारा विभाजन हो जाता है। तो जो हम छोटी छोटी इकाइयों में इसका विभाजन करते हैं और इसको विद्यार्थियों के लिए सरल और बोधगम्य बनाते हैं तो ये प्रक्रिया हमारी विषय वस्तु विश्लेषण की होती है। कहते हैं जितनी प्रभावी बनाते हैं स्टूडेंट के लिए आसानी प्रक्रिया होती है, स्टूडेंट को जल्दी समझाना है तो हमें इस प्रक्रिया को अपनाना होता है। तो ये होता है हमारा विषय वस्तु विश्लेषण। अब बात आती है विषय वस्तु विश्लेषण के स्वरूप में। मैंने आपको विषय वस्तु विश्लेषण का अर्थ बताया, कहते हैं कि स्वरूप, आखिरकार विषय वस्तु विश्लेषण का स्वरूप क्या होता है। तो एक हम एक छोटे से इस चीज को समझने के लिए कहेंगे कि विषय वस्तु विश्लेषण का पूरा स्वरूप हमारा एक क्या कहते हैं कि क्या है ये, इस टॉपिक पर जाकर उतरता है। क्योंकि जब हम कोई टॉपिक लेते हैं, कोई कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं, क्या हम उसके बारे में जानते हैं, नहीं जानते, तो इस चीज की जो जानकारी लेते हैं ये हमारे इस वर्ड में छुपी हुई होती है कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा क्या है, हम पढ़ने जा रहे हैं उसको हमें कहते हैं कि विषय वस्तु विश्लेषण शिक्षक की पूर्व तैयारी होती है। शिक्षक की पूर्व तैयारी होती है क्योंकि जब तक वो कंटेंट जो विषय वस्तु विश्लेषण की तैयारी करके नहीं जाएंगे, जब तक स्टूडेंट को नहीं पढ़ा पाएंगे, उन्हें क्या आज पढ़ाना है, क्या बच्चों से पूछना है, क्या जो पढ़ा रहे हैं उसके अंदर उन्हें किन किन सामग्रियों का प्रयोग करना है, किन किन अधिगम सामग्रियों का प्रयोग करना है, किन किन संसाधनों का प्रयोग करना है, किस विधि के द्वारा बच्चों को पढ़ाना है, ये सारा हमारा विषय वस्तु विश्लेषण में आता है। इन सभी चीजों का जो समावेश होता है, जो हम कह रहे हैं कि क्या क्या मीन्स कि हम इसे किस तरीके से बच्चों के सामने, शिक्षक पूर्व तैयारी के साथ बच्चों के सामने जाता है, तो उस पूर्व तैयारी हमारी जो होती है वो हमारी इस विषय वस्तु विश्लेषण के आधार पर होती है। हम उसी के तरह हमारे विधियां काम में लेंगे, हम बच्चों से क्या पूछेंगे, हम बच्चों से कौन से प्रश्न पूछेंगे कि बच्चों को वो टॉपिक हमसे समझ में आए, या पढ़ाने के बाद हम बच्चों के साथ कौन सी गतिविधियां करते हैं, किन उपकरणों की हमें आवश्यकता होती है, ये सारी चीजें हमारे विषय वस्तु विश्लेषण के अंदर आती है। तो कहते हैं इसका स्वरूप अगर हम देखें, विषय वस्तु विश्लेषण का स्वरूप, तो हमारा एक क्या शब्द ऐसा होता है, क्या वर्ड जिस पर ये पूरा जुड़ा हुआ
होता है कि हमें किस तरीके से पढ़ाना है, पाठ्य वस्तु विश्लेषण को हमें अधिक से अधिक किस तरीके से बच्चे को समझाना है जिससे कि ये शिक्षण हमारा प्रभावी हो सके। अब हम इसमें देखेंगे कि विषय वस्तु विश्लेषण के जो सिद्धांत होते हैं हमारे, कहते हैं जब हम कार्य कर रहे हैं उसके लिए हम एक सिद्धांत बनाते हैं कि हम जब विषय वस्तु विश्लेषण करने जा रहे हैं तो हमें कौन से सिद्धांत हमें अपनाने चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो सिद्धांत है वो है हमारा समाज केंद्रीयता का सिद्धांत। समाज केंद्रीयता का सिद्धांत, इस सिद्धांत में कहते हैं कि समाज की विद्यालय से, और विद्यालय में कौन होते हैं हमारे शिक्षार्थी, कहते हैं कि समाज अपना एक तरीके से विश्वास होता है कि जो शिक्षक तैयार हो रहे हैं, जो विद्यार्थी तैयार हो रहे हैं वो किसके लिए तैयार हो रहे हैं, समाज के लिए। तो यानी समाज एक तरीके से अपनी आशा लगाए हुए होता है किससे, विद्यार्थी से। तो कहते हैं कि जो हम बच्चों को शिक्षा दें वो शिक्षा हमें ऐसी देनी चाहिए कि जो हमारे समाज के लिए काम आ सके, या कहें कि हमें विद्यार्थी को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि हमारे जो समाज के उत्तरदायित्व हैं उनको वो जान सके और हम हमारे शिक्षा ग्रहण करके उन उत्तरदायित्वों को निभाकर समाज को आगे से के आगे की ओर प्रगति करवा सके। तो इसमें कहते हैं कि समाज केंद्रीयता का सिद्धांत, क्योंकि जो हमारे विद्यार्थी हैं वो हमारे समाज से आते हैं। कहते हैं समाज का छोटा रूप हमारा विद्यालय, तो समाज को भावी जो अपने विद्यार्थी हैं, जो हमारे कहते हैं कि भावी समाज निर्माता होते हैं, उसी से हमारे राष्ट्र निर्माण होता है। क्योंकि जब तक समाज का निर्माण नहीं होगा तब तक राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। तो कहते हैं कि ये हमारे भावी कर्णधार होते हैं, तो उन्हें हमें इस तरीके से तैयार करना है, उन्हें जहाँ हम शिक्षा दे रहे हैं उस शिक्षा में हमें समाज को भी जोड़ के रखना होता है कि समाज के साथ उनके क्या उत्तरदायित्व हैं, क्या कर्तव्य हैं, समाज के लिए उनके कौन से कार्य हैं, इन चीज़ों का भी हमें किसको, विद्यार्थियों को इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। तो कहते हैं कि जब हम विषय वस्तु विश्लेषण करते हैं तो हमें समाज केंद्रीयता के सिद्धांत का भी ध्यान में रखना चाहिए। सेकंड है हमारा पर्यावरण। कहते हैं हम जिस पर्यावरण में रहते हैं हमें उस पर्यावरण में, कहते हैं हमारा पर्यावरण होना कैसा चाहिए, उसके लिए हमारे क्या हानि है, क्या लाभ है, क्या हम पर्यावरण में अगर हम कहते हैं किसको हानि पहुंचाते हैं तो हमें कौन कौन सी हमारी समस्याएं हमारे सामने आती हैं। कहते हैं पर्यावरण जो हमारे चारों तरफ का हमारा आवरण है, क्योंकि जब तक हमारा पर्यावरण अगर स्वच्छ और साफ नहीं होगा तो हम क्या जीवित रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। अगर हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो हम शिक्षा कहाँ से ग्रहण करेंगे। तो कहते हैं कि पर्यावरण के प्रति भी हमारे जो उत्तरदायित्व है, पर्यावरण को संरक्षित करना, पर्यावरण को किस तरह से हमें पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त रखना, या हम कहें जो हमारे आसपास पर्यावरणीय घटना घटती है उन वो घटनाएं किस तरीके से घटित होती हैं, उनके लिए क्या अच्छा है, इन चीज़ों का भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। कहते हैं जब हम कंटेंट एनालिसिस तैयार करते हैं तो हमें जिस तरह से समाज का बिंदु है उसी तरह से हमारे पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहिए। सेकंड है उद्देश्य एवं लक्ष्य का सिद्धांत। हमारा जो विषय वस्तु होता है, हमारा जो कंटेंट है वो क्या होता है, हमारा उद्देश्य जो हम लेकर चलते हैं कि हमें किस तरीके से, कहते हैं ना हमारा विषय वस्तु जो हम तैयार करते हैं हमें क्या पढ़ाना है वो हमारा सिद्धांत कहता है कि उसे किस तरीके से आगे बढ़ाना है, ये हमारा इस पर निर्धारित होता है कि हम जिस विषय वस्तु को तैयार कर रहे हैं वो विषय वस्तु ऐसा होना चाहिए कि वो जो हम पृथक पृथक उसका विभाजन कर रहे हैं उसका एक क्रम होना चाहिए, जो हम उद्देश्य लेके चल रहे हैं उस विषय वस्तु में हमारा वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए, ऐसा हमारा सिद्धांत होना चाहिए। अर्थात हमारे समस्त हमारे उद्देश्य, जो हमारे उद्देश्य और लक्ष्य होते हैं उन्हें पूरा करने वाला हमारा कंटेंट होना चाहिए, जिसका हम विभाजन करते हैं उसमें हमारा एक भी ऐसा बिंदु नहीं छूटना चाहिए जिससे कि हमें हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति ना हो। तो इसलिए कहते हैं कि जब कंटेंट एनालाइज करते हैं हम, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हम जो विभाजन कर रहे हैं, जो विभाजन प्रक्रिया कर रहे हैं, जिसे पृथक इकाइयों के रूप में बांट रहे हैं, क्या वो इकाइयाँ, हम जिसे इकाइयों का विभाजन कर रहे हैं वो इकाइयाँ हमें हमारे पोस्ट जो
सारे हमारे कहते हैं लक्ष्य हैं, हमारे उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति करवाना है या नहीं। अगर सीधे से चीज़ में हम समझें तो क्या हम जो पढ़ने की सोच रहे हैं, जो हमारी प्रक्रिया है, हम कहें कि हमारी एक पुस्तक का जो हम विभाजन कर देते हैं, जो कंटेंट हम विभिन्न इकाइयों में, वो सारी इकाइयाँ उसमें समाहित हैं या नहीं, जिनकी विद्यार्थियों को आवश्यकता होती है। फिर आता है हमारा उपयोगिता का सिद्धांत। कहते हैं उपयोगिता का सिद्धांत, हमारा कंटेंट जो है वो कैसा होना चाहिए, उपयोगी, यानी कि जो विद्यार्थी की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, हमारी उपयोगी बना सके। उपयोगिता क्या है, उनकी आवश्यकता, क्योंकि जब तक हमारा विषय वस्तु उपयोगी नहीं होगा तब तक हम उस कार्य को पूर्ण रुचि के साथ नहीं करते हैं। ये हमारी, जब तक हमारी खुद की स्वयं की उपयोगिता नहीं होगी तो हम क्या करेंगे। कहते हैं उपयोगिता अगर होगी नहीं ना विषय वस्तु में, तो वो विषय वस्तु किसी भी काम की नहीं होती। जब तक जिस कार्य के लिए हमारे सामने उपयोगिता नहीं आएगी, उसको उपयोग करने लायक नहीं बनाएंगे, उसे हम अपनी आवश्यकताओं में नहीं ढालेंगे, तब तक हमारा जो कार्य हम करते हैं वो हमारा अप्रभावी होता है। क्योंकि अगर हम कार्य करते हैं हमारी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, तो वो आवश्यकता हम किस तरह से उपयोगी बनाते हैं, हमारे जीवन में कैसे काम में लेते हैं, अभी हम वर्तमान में कहते हैं कि वर्तमान में हम किस तरह से उसे काम में लेते हैं, या भविष्य में हमें उसे किस तरह से काम में लेते हैं, ये सब कुछ हमारी इसकी उपयोगिता पर निर्धारित होता है। जितना अच्छा हमारा उपयोगी होगा हमारा कंटेंट, उतना ही हम विद्यार्थी भी उसमें रुचि लेंगे और उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो जब हम कंटेंट एनालिसिस करें तो हमें जो हमारा विषय वस्तु है वो ऐसा तैयार करना चाहिए कि हम उसे आगे तक हमारे भविष्य में उपयोगी बना सके या हम उसको उपयोग में ले सके। फिर आता है हमारे लचीलेपन का सिद्धांत। कहते हैं कि परिस्थिति समय और काल के अनुसार परिवर्तन होते रहना चाहिए, इसीलिए जो हम कंटेंट तैयार करें उसमें हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ का समावेश करना चाहिए कि हम उसे अपनी परिस्थिति समय और आवश्यकता के अनुसार हम उसे बदलते रहें। इसीलिए उसमें थोड़ा इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि हम उसे परिवर्तन हम आसानी से कर दें, क्योंकि अगर हम अत्यधिक परिवर्तन करते हैं, कहते हैं कि अगर हम कहते हैं आटे में अगर हम नमक डालते हैं थोड़ा, अगर हम उसमें ज़्यादा डालते हैं तो वो खारा होता है, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो उसका पता नहीं चलता। उसी तरह से हम कहते हैं कि लचीले में जो अगर परिवर्तन ज़्यादा किया तो उसका पूरा स्वरूप बदल जाता है, लेकिन उसमें आवश्यकता अनुसार जितना हल्का हम परिवर्तन कर सकते हैं उसमें परिवर्तन होना चाहिए, अर्थात हमारी आवश्यकता के अनुसार। तो उसमें कहीं ना कहीं हमें इतनी जगह रखनी चाहिए कि हम हमारी आवश्यकताओं के आधार पर उसे परिवर्तित करते रहें। फिर है हमारा अध्यापकों से परामर्श का सिद्धांत। कहते हैं जब हम विषय वस्तु तैयार करते हैं तो जो शिक्षक इस चीज़ को बना रहे हैं वो दूसरे शिक्षक से सब इसके बारे में परामर्श ले सकते हैं, या हम कहें कि हम विद्यार्थी जब इस चीज़ को शिक्षक से जब कंटेंट तैयार करके उसके सामने पढ़ाते हैं तो वो शिक्षक से इस चीज़ के बारे में परामर्श ले सकते हैं कि हमें ये कार्य किस तरीके से करना है। तो उसमें कहते हैं कि हमारा अधिगम प्रक्रिया में ये परामर्श की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि हम जब विद्यार्थी कहते हैं ना जब अध्यापक जब इसकी पूर्व तैयारी करके जाता है, पाठ नियोजन जो बना रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं उसकी पूर्व में, तो वो तैयारी करके जाते हैं तब वो उसका परामर्श दूसरे शिक्षक से ले सकते हैं, वो अपनी नियोजन प्रक्रिया को दूसरों से इसको एक तरीके से कहते हैं साझा कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो कहते हैं अध्यापक से। और विद्यार्थी भी जब विद्यार्थी इस चीज़ को ग्रहण करते हैं, अध्यापक इसे पढ़ा रहे हैं, तो वो भी अपने परामर्श अध्यापक से ले सकते हैं। अब कहते हैं कि जब हम सिद्धांत हमने ये बनाए हैं तो उन सिद्धांतों को बनाने के लिए हम किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, तो हम कहेंगे सबसे पहले हमारा मेन फोकस होता है हमारे शिक्षण उद्देश्यों पर, अर्थात जो हमारा कंटेंट होता है कि हम जो कंटेंट लेकर चल रहे हैं, जो विषय वस्तु लेकर चल रहे हैं, वो हमारे उद्देश्यों की पूर्ति करवा रहा है या नहीं। तो सबसे मेन चीज़ होती है हमारे किस चीज़ का, शिक्षण के उद्देश्यों को ध्यान में रखना कि हम किस तरीके से हमारे उद्देश्यों की इससे पूर्ति
तभी हमारा जो शिक्षण प्रक्रिया है वो हमारी आगे बढ़ेगी, निरंतर आगे चलती रहेगी और उसकी जो विभाजन प्रक्रिया है उसको एक सरल तरीके से विद्यार्थी ग्रहण करेंगे। फिर आता है हमारा महत्वपूर्ण बिंदुओं को विस्तृत रूप में पढ़ाएं। कहते हैं कि कई टॉपिक ऐसे होते हैं जिसे हम कहें कि हम पढ़ते हैं नाइन्थ में, पढ़ते हैं हम टेंथ में, पढ़ते हैं हम इलेवेंथ में, पढ़ते हैं ट्वेल्थ में, पढ़ते हैं और हो सकता है हम उसको एट्थ में भी पढ़ते हैं। तो कहते हैं माध्यमिक स्तर का जो हमारा टॉपिक होता है जिसे हम 5 साल तक पढ़ते हैं, तो उनमें से कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ बिंदु होता है तो हमें उस टॉपिक को एक विस्तृत तौर पर आगे 5 साल में, कम से कम 5 साल में हमें उसे पूरा पढ़ाना चाहिए या विस्तृत तौर पर हमें उसे समझना चाहिए, क्योंकि जो कई इतने महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं जो हमारे आगे भी काम में आते हैं। हम देखते हैं कि हम जो साइंस में हम कुछ टॉपिक हमारे होते हैं एसएसटी में, अब इसे हम कहें कि हमारे कुछ टॉपिक हमारे स्थानीय से जोड़ देते हैं, कुछ हमारे कहते हैं कि अगर हम स्टेट से यानी कि हम जिस गृह विभाग में रहते हैं उससे अगर उसको हम जोड़ें तो हम उसे वर्ल्ड स्तर पर दौड़ते हैं। तो हमारा कुछ हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे राजस्थान की अलग होती है, हमारे वर्ल्ड की अलग होती है। तो ये चीज़ें इसमें बताई गई है, कुछ जो टॉपिक होते हैं विस्तृत उन्हें हमें अलग से विस्तृत रूप में पढ़ाना चाहिए। फिर है क्रमबद्धता। कहते हैं जब हम जिन सिद्धांतों को बनाते हैं उसके अंदर जो कंटेंट एनालाइज करते हैं उसमें हमें क्रमबद्धता का ध्यान में रखना सबसे ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि क्रमबद्धता ही हम कहें कि पहले ही हम वर्ल्ड जीके पढ़ेंगे तो वर्ल्ड जीके हमें कहाँ से समझ में आएगी, जब तक हम हमारी स्टेट की जीके नहीं पढ़ेंगे, हम राजस्थान जीके नहीं पढ़ेंगे, तो उसमें वो क्रमबद्ध होना चाहिए। अगर हम काउंटिंग सीखते हैं तो हमें काउंटिंग शुरू में हम 100 नहीं सीखेंगे, हम शुरू में 1 ही सीखेंगे। तो कहते हैं कि जब हम बना रहे हैं हमारे कंटेंट एनालिस तो उसमें हमें क्रमबद्धता का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे सर्वप्रथम हमारा कौन सा टॉपिक आना चाहिए, कौन सी इकाई आनी चाहिए। जब हम इकाइयों का विभाजन करते हैं और इकाई में से भी हम जब हमारा कोई टॉपिक प्रकरण लेते हैं तो उस प्रकरण का हम किस तरीके से क्रमबद्ध करते हैं कि हमें कौन से टॉपिक लेने चाहिए। तो कहते हैं जब हम विभाजन करते हैं, इकाइयों का विभाजन करते हैं, तो हमें सबसे पहले उस क्रमबद्धता का ध्यान रखना चाहिए कि जो इकाइयों का हम विभाजन कर रहे हैं वो पूरा हमारा सिलेबस कवर कर रही है या नहीं। फिर आता है विभिन्न भागों का आपस में संबंध। कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जो अलग अलग हमारे विभिन्न भाग होते हैं उनका आपस में किसी ना किसी तौर पर संबंध है। कल मैंने एक एग्जांपल बताया, अगर हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम काल के बारे में तो वो काल हम हिंदी साहित्यनी भाषा में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें उन्हें किस तरीके से रुचि कर स्टूडेंट के सामने प्रदर्शित करना है, उसे किस तरीके से आपस में जोड़ना है, इस तरीके का हमें जो हम कंटेंट तैयार करते हैं उसे हमें ऐसा तैयार करना चाहिए कि बच्चे उसमें आपस में संबंध को समझें और संबंध को समझने के साथ में उसमें इंटरेस्ट भी जागृत करें। फिर आता है हमारा क्रियात्मक कार्यों के लिए छात्रों को अवसर। हम देखते हैं कि बच्चों को हम कार्य करने के लिए अगर हम क्रियात्मक कार्य बच्चों को नहीं देंगे तो हमारा शिक्षण हमेशा अप्रभावी रहेगा। हम ओनली बच्चों को समझा रहे हैं और समझाने के बाद अगर हम उनसे कोई कार्य नहीं पूछते हैं या कार्य नहीं करवाते हैं तो हमारा शिक्षण अप्रभावी रहता है। हम बच्चों को अगर हम कहें कि पर्यावरण के बारे में पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है हम बाहर ले जाकर 2-4 पेड़ पौधे लगाकर या पेड़ों को दिखाकर हम उन्हें उस कार्य में वो कार्य दे सकते हैं जिससे कि बच्चे उसमें भाग ले सके। हम कहें बच्चे को अगर हमने कभी ड्राइंग सिखाई तो हम कुछ वर्क आर्ट का वर्क उनको दे सकते हैं जिससे बच्चे उस चीज़ को सीखें। हम कोई प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक कार्य जो बच्चों को ओरली समझाए उसको हम करने के लिए बच्चों को दे सकते हैं। हम कोई प्रश्न बच्चों से पूछ सकते हैं। तो कहते हैं जब तक हम क्रियात्मक कार्य बच्चों को करने के लिए नहीं देंगे तब तक बच्चे उस कंटेंट में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। फिर है दोहराने का अवसर। कहते हैं जब भी हम शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं तो उन्हें नेक्स्ट डे इस चीज़ का दोहरान जरूर करवाना चाहिए, या उसी वक्त बच्चों से प्रश्न पूछकर या बीच में उनसे कहीं से भी कुछ अपने कंटेंट के बारे में पूछकर ये दोहराने का कार्य उन्हें हमेशा करवाना चाहिए, क्योंकि दोहरान का जो कार्य हम करवाते हैं उसमें शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में कितनी अंतःक्रिया हुई अर्थात बच्चे ने कितना ग्रहण किया, जो दोहरान कार्य किया उसमें किन किन चीज़ों का
बच्चों ने कितना समझा है उस फीडबैक का शिक्षक को पता चल जाता है। और हो सकता है कि शिक्षक अगर उसकी पुनरावृत्ति करते हैं तो उसे बच्चों से और भी अच्छे से उसको समझ में आ जाता है। तो जब हम कंटेंट तैयार करें तो हमें इसके लिए दोहरान के कार्य को भी अवसर देना चाहिए। अब हम कहते हैं कि जब हम इसकी विषय वस्तु विश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, ये हमारे सिद्धांतों को बनाने के लिए हमें इन बातों का ध्यान रखना है। और इसके बाद में हम क्या करते हैं उसकी निर्माण प्रक्रिया, क्योंकि कार्य करने से पहले सिद्धांत अगर उसके हम नहीं बनाते हैं तो सिद्धांत के बिना हमारा कार्य नहीं चलता। जब सिद्धांत बनते हैं उसके बाद में हम उसकी निर्माण की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहला पॉइंट है व्यवहार परक, यानी कि जो हम इकाई पढ़ा रहे हैं, जो कंटेंट एनालाइज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि शिक्षण की प्रक्रिया को हमें व्यवहार परक बनानी चाहिए, उसे कहीं ना कहीं थोड़ा व्यवहार से भी जोड़ना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान भी देना चाहिए, यानी कि उसमें व्यवहार परकता होनी चाहिए कि उसे हम डेली हमारे व्यवहार में लें। जो कंटेंट हम विभाजन कर रहे हैं, इकाइयों का विभाजन है, तो वो विभाजन करना हमारे व्यवहारिकता में होनी चाहिए कि हम जो प्रत्येक विषय पढ़ा रहे हैं या प्रत्येक हम प्रकरण पढ़ा रहे हैं उसमें हमारा विभाजन होना चाहिए। फिर है विषय वस्तु की क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित। बताया था कि जब हम कंटेंट बनाते हैं तो उसको हमें क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित करनी चाहिए, यानी कि स्टेप से, कि हमारा कोई भी टॉपिक, कोई प्रकरण, कोई इकाई ना छूट जाए, इसीलिए हमें इसका क्रमबद्ध तरीके से तैयार करना चाहिए। फिर है समय निर्धारण, कि हमें जो हम इकाइयों का या कहें कि हम जो पाठ्यचर्या हम हमारे सिलेबस कंप्लीट करते हैं उसके लिए हमारा एक समय निर्धारित होना चाहिए। जो हम परीक्षाएं करवाते हैं आज के टाइम पे, जो हमारा पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है, हम देखते हैं कि हमारा जो हम अद्वार्षिक, हमारा वार्षिक, जो हमारा एक समय निर्धारण होता है, क्योंकि अद्वार्षिकता को हमें अद्वार्षिकता का सिलेबस कंप्लीट करवाना होता है और वार्षिक के समय हमारा वार्षिक, तो वो प्रक्रिया किसके लिए शुरू हुई है, इसी के लिए समय निर्धारण। क्योंकि हम जब इन इकाइयों का विभाजन कर रहे हैं तो कौन कौन सी इकाइयों का कितने समय तक पूरा होना, उसके लिए एक समय निर्धारित होना चाहिए, जिससे शिक्षक भी अपने कार्य को पूर्ण तरीके से कर सकते हैं कि हमें कितने समय तक इस कार्य को पूरा करना है। अगर ये समय निर्धारित ना हो तो हो सकता है कि शिक्षक भी इस चीज़ के लिए कहते हैं तरह से आलसी हो सकते हैं कि वो अपना कार्य पूरा ना करे समय पर, और विद्यार्थी भी। तो एक समय को, जो हम इस कार्य को, जिस उद्देश्य को हम लेके चल रहे हैं, उन उद्देश्यों को अगर हमें पूरा करना है तो उसके लिए हमें समय निर्धारित करना अत्यंत आवश्यक होता है। जब तक हमारी एक टाइम लिमिट नहीं होती है तो हम उस कार्य को पूरा नहीं कर पाते। तो ये है हमारा विषय वस्तु विश्लेषण का आज का टॉपिक। धन्यवाद।